नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन होता है और अगर आपके पास डेड फ़ोन आ जाता है तो कैसे इजी वे में उसे चेक करते हैं। तो आपको सेस्मेटिक यानी हार्डवेयर सॉल्यूशन और सेस्मेटिक के दोनों के ज़रिए से आपको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके पास डेड फ़ोन आता है तो आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन में आपको एक पीसीबी खोल लेते हैं हम, जैसे कि सोमी का कोई भी खोल लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडमी 9A, यहाँ पे रेडमी 9A है, तो इसका हम यहाँ पे इन आउट वोल्टेज खोल लेंगे, जिससे हमें इन आउट वोल्टेज से क्या होता है, सारी चीज़ें हमें दिखती रहती है कि कहाँ पर हमें कितने वोल्टेज मिलने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से इसका सेस्मेटिक भी खोल लेंगे। तो यहाँ पे सेस्मेटिक में जाएंगे, सेस्मेटिक पे जाके हम सोमी में जाएंगे, सोमी में जाके हम यहाँ पे रेडमी 9A पे जाके हम इस यहाँ पे लेआउट और सेस्मेटिक खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेआउट खुल गया, अब हम सेस्मेटिक खोलेंगे, ठीक है। तो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा लेआउट और सेस्मेटिक दोनों खुल गया है। तो हम हार्डवेयर में सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास डेड फोन आता है तो आप कैसे इजी वे में आप उसे अच्छे से चेक कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो अगर आपके पास डेड फोन आता है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बैटरी कनेक्टर है। यहाँ पे आपको सबसे पहले कूल टेस्टिंग करनी है, जो कि कूल टेस्टिंग में हमें तीन कंडीशन मिलेंगे, ओके, ओपन, शॉर्ट, ठीक है, सॉरी, ओके, लीकेज और शॉर्ट कंडीशन। तीन को ओपन तो मिलता नहीं है, तो इसको चार कंडीशन कह सकते हैं, लेकिन तीन ही कंडीशन देखने को मिलते हैं, जो कि वो ओके होता है, लीकेज होता है और शॉर्ट होता है। ओके कंडीशन में आपको मिलनी चाहिए बैटरी कनेक्टर पे, आप जब चेक करोगे मल्टीमीटर से, तो रेड प्रॉप को ग्राउंड, ब्लैक से आपको यहाँ पे प्लस पे लगाना है। प्लस पे आपको रीडिंग जो मिलनी चाहिए यहाँ पे, वो 220 से 600 तक होनी चाहिए। और रिवर्स बाई करते हैं, यानी आपका पहले कहाँ था मल्टीमीटर का प्रॉप, रेड आपका ग्राउंड था, आपको रेड कहाँ रखना है, प्लस पे रखना है, ब्लैक को आपको रखना है ग्राउंड पे रखना है, इसे बोलते हैं रिवर्स बाई। में रिवर्स बाई में जब आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको रीडिंग आनी चाहिए 0 आए या फिर 1200 के ऊपर आए। अगर 0 आ रही है, 1200 ऊपर आ रही है, इससे हमें पता लगता है कि हमारा जो बैटरी कनेक्टर, यानी जो डीसी टू डीसी प्राइमरी आईसी से लेके यहाँ तक, यानी सेकेंडरी लाइन के अंदर कोई लीकेज शॉर्टिंग नहीं है। हाँ, ये है कि इससे 100% नहीं हम श्योर होते हैं कि इसमें लीकेज या शॉर्टिंग है, क्योंकि अब के फ़ोनों में क्या होता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगा होता है, जिसके कारण हमें इनपुट की तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन आउटपुट की इन्फॉर्मेशन नहीं प्राप्त हो पाती। इसके लिए हम फ़ोन को डीसी मशीन से चेक करते हैं कि फ़ोन में लीकेज है या शॉर्टिंग है, ठीक है मेरे भाई। तो हम इस चीज़ को चेक करने के बाद बैटरी कनेक्टर अगर हमें ओके मिलता है, तब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट आपका नीचे दिख रहा है, ये जो आपको ऊपर वाली लाइन दिख रही है हमारी आईडी की लाइन होती है। आईडी का मतलब होता है इंडिकेटर, यानी आपका बैटरी कितना चार्ज है, बैटरी कितना क्षमता है बैटरी चलने की, जो आपका परसेंटेज दिखता है वो इसी से दिखता है। तो ये आईडी की लाइन हमारी जाती है इसमें अकॉर्डिंग टू आईसी, जिस भी फोन में जो आईसी लगी उसके अकॉर्डिंग में जाती है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे की लाइन में देखेंगे हमारा टीएच की लाइन होती है। टीएच का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर क्या काम करता है, जब हमारा जो बैटरी होता है, यानी बैटरी के अंदर कितनी कोई गर्म चीज़ तो नहीं है, बैटरी में टेम्परेचर कितना है, ये सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, जो कि टीएच की लाइन से होती है, ठीक है मेरे भाई। इन दोनों पे हमें जीआर मिलना चाहिए। वीवो ओप्पो में आपको यहाँ पे जीआर नहीं देखने को मिलेगी। वीवो ओप्पो में अगर आपको यहाँ पे जीआर चेक करनी है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मल्टीमीटर को ओम के रेंज में जाके 200 किलो पे आपको सेट करना है। 200 किलो पे जब आप सेट कर देंगे ना मेरे भाई, तब वहाँ पे जब आप ये जीआर चेक करेंगे, वहाँ पे आपको जीआर बड़े आसानी से मिल जाएगी, जिससे हमें पता लग जाता है कि इसका सोर्स टू डेस्टिनेशन बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे रीडिंग प्लस पे आपको 220 से 600 तक मिलना चाहिए, रिवर्स में आपको 0 से आए या फिर 1200 के ऊपर आए, आईडी पे आपको 300 के ऊपर मिलनी चाहिए, टीएच पे आपको 300 के ऊपर आनी चाहिए। अगर आपको यहाँ तक की सब कुछ कंडीशन ओके मिले, तब आपको इस फोन में हॉट टेस्टिंग पे जाना पड़ता है, ठीक है। तो हॉट टेस्टिंग में जाने के लिए आप यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो प्राइमरी आईसी होगी, इसमें देखते हैं कौन सी लगी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BQIC लगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं BQIC, जो कि हमारी 24 पिन की होती है, ठीक है। तो BQIC में जो हमारा BVAT की सप्लाई होती है 13 और 14 पे इन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस कैपेसिटर पे हमें मिलना चाहिए 3.7 वोल्टेज, यानी जितना वोल्टेज हमारे बैटरी में होगा सेम वोल्टेज यहाँ मिलना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। अगर ये आपको चेक करना है क्या हमारी बैटरी का वोल्टेज यहाँ तक पहुँच रहा है, अगर ये वोल्टेज यहाँ तक पहुँच रहा है, तो इसका मतलब हमारी बैटरी से यहाँ तक की लाइन बिल्कुल ओके है, ठीक है। अब इसके बाद आपको चेक करना है फ़ोन में बैटरी लगा के यहाँ पे VSYS, यानी वोल्टेज सिस्टम, यानी हमारी BPH की लाइन होती है, यहाँ पे आपको इस कैपेसिटर पे 3.7 वोल्टेज मिलना चाहिए बैटरी लगा के।
अगर बैटरी लगा कि ये वोल्टेज 100% मिल रही है, तो इसका मतलब हमारी जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है वो 100% वोल्टेज को कन्वर्ट करके आगे भेज रहा है बीपीएच लाइन पे। तो इससे हमें पता लगता है कि बीपीएच लाइन बिल्कुल ओके है। ठीक है मेरे भाई, अगर यहाँ तक की भी आपको सप्लाई मिल जाती है तो फोन में आपको चार्जर कनेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बी बस लिखा हुआ, बी बस यूएसबी इन, यानी हमारा जो यूएसबी से आता है बी बस की लाइन, बी बस यानी चार्जिंग का ट्रैक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वोल्टेज मिलना चाहिए 5.1 वोल्टेज। अगर आपको यहाँ पे 5.1 वोल्टेज मिल गया तो इसका मतलब हमारी जो चार्जिंग का इनपुट है बिल्कुल ओके है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या चेक करना है, इसके बाद आप देखेंगे तो बी क्यू आई सी यू, इसका पिन नंबर 21, पिन नंबर 21 इसका होता है बूट कैप। बूट कैप मतलब वोल्टेज बूस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वाइल लगी, जो कि हमारा एक बीपीएस लाइन होता है, हमारा बी वाई एस होता है। ठीक है, यानी एक साइड आपको 4.2 वोल्टेज मिलेंगे, एक साइड आपको 3.7 वोल्टेज, यानी अकॉर्डिंग टू बैटरी। जब आप चार्जर लगाते हो तब यहाँ से आपको चार्जर के अकॉर्डिंग वोल्टेज आपका 19 और 20 से निकलता है, जब आप बैटरी लगाए रहते हो तो आपका 16 और 17 से वोल्टेज निकलते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से देख के दोनों कॉइल के बीच में लगा होता है, फिर यहाँ से वोल्टेज हमारा बीपीएच बनता है। ठीक है, जब आप चार्जर लगा देंगे, यहाँ पे आपको देख सकते हो बूट कैप पे एक साइड आपको 8 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर 8 वोल्ट मिल जाता है ना, तो 100% आपको ये पता हो जाता है कि हमारी जो डीसी टू डीसी आईसी है बिल्कुल ओके है। अगर ये बूट कैप नहीं बनता तो इसमें दो तीन रीजन होते हैं जो कि हम आगे बात करेंगे इसके सीक्वेंस पे, कि हमारी जो चार्जिंग आईसी होती है कैसे एक्टिवेट होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे छोड़ के हम थोड़ा आगे जाते हैं, क्योंकि हम आपको चेकिंग बता रहे हैं डेट फोन में कैसे कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक सब कुछ ओके मिले, तब हम इसके दूसरे सेक्शन में जाते हैं, यानी पावर सेक्शन, जिससे हमारा फ़ोन एक्टिवेट होता है। ठीक है, जब यहाँ जाएंगे तो आपको देखेंगे इसकी पावर आईसी कहाँ लगी है, तो पावर आईसी यहाँ पे देख सकते हैं आप लगी है। पावर आईसी आपका नंबर यहाँ पे पढ़ सकते हैं, MT6357CRB लगी है। ठीक है, इसकी जो बूट सीक्वेंस होती है इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि बूट सीक्वेंस इसकी कैसे होती है, कौन कौन सी सप्लाई हमें मिलनी चाहिए, तब जाके फ़ोन हमारा ऑन होता है। ठीक है, इसमें भी हमारे आप देखेंगे जब जिस भी फ़ोन में हमारा MT6357 लगा होगा, उस फ़ोन में हमारे बूट बक कन्वर्टर लगे होंगे। अब बक कन्वर्टर क्या होते हैं, जैसे कि आपका 1.2S2 सप्लाई हमारी जो है उस 6 पिन की आईसी होती है और 9 बॉल की आईसी होती है बक कन्वर्टर, वो क्या काम करती है, 1.8 की सप्लाई इन करती है, 1.6 या 1.4 की सप्लाई आउट करती है, जिससे हमारा जो है ये आईसी यानी हमारी सीपीयू और हमारा फ़ोन एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं बक कन्वर्टर। तो इसके अकॉर्डिंग हम आगे बात करेंगे। तो आपको क्या चेक करना है, फ़ोन में चार्जर लगा लेना। चार्जर लगा के मेरे दोस्तों, सबसे पहले ही आपको जहाँ पे ये सारी सप्लाई आपको दिख रही हैं, ये सारी सप्लाई आपको बननी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख BDD 1.8 वोल्ट, BDD 2.2 वोल्टेज, BDD 2.8 वोल्टेज, BPA 1.8 वोल्टेज। BPA क्या है, ये हमारी 4G आईसी के लिए जाती है, BPA यानी वोल्टेज पावर और एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये हमारा नेटवर्क सेक्शन के लिए वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे आपको 1.6 से 1.8 तक वोल्टेज बनना चाहिए, वोल्टेज स्टेबल होना चाहिए, वोल्टेज फैक्चुअल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद S1 यहाँ पे आपको दिख रहा है तो ये हमारा लोअर LDO होता है, यहाँ पे आपको 1.2 की सप्लाई बननी चाहिए। अब इसके बाद VIO आपका नेटवर्क सेक्शन जाता है, ये तो सभी जानते हैं, यहाँ पे आपको बनना चाहिए 1.8 वोल्टेज। इसके बाद VRF, ये हमारी जो है WTR यानी बेस बैंड आईसी में जाने जाती है, तो यहाँ पे 1.8 बन जाएगी जब आप सिम डालेंगे, नहीं भी डालेंगे फ़ोन ऑन होता है तब ये सप्लाई बनती है। ठीक है, अब इसके बाद VRF 1.2, ये सप्लाई तो आपको तब मिलेगी जब आप फ़ोन में सिम डालेंगे। ठीक है, तो ये सप्लाई मिले या ना मिले, लेकिन ये ज़्यादातर सप्लाई आपको मिलनी चाहिए। जो आपको मेन सप्लाई चेक करना है वो आपका होगा 2.8 वोल्टेज, 2.2 वोल्टेज, 1.2 वोल्टेज और 1.8 वोल्टेज। अगर ये सारी सप्लाई मेरे दोस्तों ओके मिलती है, तो इससे आपको पता लगता है कि हमारी पावर आईसी जो है वोल्टेज तो जनरेट कर रही है, लेकिन आगे कुछ प्रॉब्लम। इस कंडीशन में आप रिवर्स करंट होल्ड करंट के जैसे आप काम करेंगे, जैसे कि आपको बूट सिक्वेंस में बताया जाएगा अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में टॉपिक को कम्प्लीट करने के लिए।